हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आप सबसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज का जो मेरा ये वीडियो है, मैंने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया है, काफी एनालिसिस करके बनाया है। पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आप कभी नहीं बोल सकते, चाहे आप जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे स्टूडेंट हो, डजेंट मैटर, आप कभी नहीं बोल सकते कि मैं अपने फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं कर पाया, मैं अपना ड्रीम हाउस नहीं बना पाया, मैं अपना बेहतरीन रिटायरमेंट नहीं ले पाया, मैं अपने बच्चों को उनका मनपसंद वैकेशन नहीं दे पाया। कोई भी बहाना नहीं रहेगा, भले ही आपकी इनकम आज बहुत कम है तो भी। और कैसे? सिर्फ और सिर्फ सही प्लानिंग के तरीके से, सही प्लानिंग के साथ में बहुत ही छोटा छोटा सेविंग और इन्वेस्टमेंट करके आप किस तरह से अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंच सकते हो, मैं आपको बताने जा रहा हूं। और यकीन जानिए, ये वो काम जो मैंने खुद किया है। मैं अपने सारे क्लाइंट्स को एडवाइस करता हूं, पूरे इंडिया भर में मेरे जितने भी क्लाइंट जो मुझसे एडवाइस लेते हैं, उन सब उन तक मैं ये चीज पहुंचाता हूं। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से बहुत छोटी इनकम से आप बहुत बड़े अपने गोल पूरे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एक्सपर्ट लोग आपके पैसे को सही जगह कहां पर इन्वेस्ट करना है वो करते हैं। तो पूरी तरह से सेफ इंडस्ट्री होती है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड इंडस्ट्री होती है। आप यहां टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं, नॉन टैक्स सेविंग फंड्स भी होते हैं। यहां पर वो फंड्स होते हैं कि अगर आपको 3 महीने के लिए पैसा रखना है उसके लिए कुछ अलग फंड होते हैं, 6 महीने के लिए रखना है उसके लिए फंड अलग होगा, आपको 1 साल के लिए पैसा रखना है उसके लिए फंड अलग होगा, 3 साल के लिए रखना है फंड अलग होगा, 5 साल से ज्यादा रखना है तो फंड अलग होगा, 10 साल से ऊपर का गोल है फंड अलग होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गलती से भी आप कोई भी फंड मन से अपनी च्वाइस से परचेस ना करें। छोटी छोटी एप्लीकेशन से एडवर्टाइजमेंट देखकर, यूट्यूब देखकर अपनी मर्जी से इन्वेस्ट ना करें आधे अधूरे नॉलेज से। प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है उनके साथ आप लीजिए। और इसके लिए आपको अगर सलाह की जरूरत होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, एनी टाइम आप मुझसे सलाह ले सकते हैं फोन पर डायरेक्ट पूछ कर, और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है आप कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं कुछ इस तरह से कि किस तरह से हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अलावा ऐसी कोई भी इंडस्ट्री मौजूद नहीं है, ऐसा कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है जो इतना अच्छा और बड़ा रिटर्न दे सके। लेकिन उसके लिए प्लानिंग कैसे करनी है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जस्ट एक एग्जांपल है, ये ऐसा नहीं कि मैं इस फंड को रिकमेंड कर रहा हूं या आपको करना चाहिए, नहीं, वो टाइम टाइम की बात होती है। जैसे ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड लगभग लॉन्च हुआ था ये 2004 में, 2004 में ये फंड लॉन्च हुआ था। जब ये फंड लॉन्च हुआ था 10 रुपये का NAV था। 2022 तक इस फंड में किसी बंदे ने अगर लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, राइट, आज वैल्यू डिस्कवरी फंड का 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, उस टाइम का 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 2022 में आके यानी 17वें साल में कितना वैल्यू देना चाहिए दोस्तों? कोई भी इन्वेस्टमेंट आप सोच के देखिए, 10 लाख की वैल्यू को उसने 2.5 करोड़ रुपए किया, 10 लाख का 2.5 करोड़ रुपए सिर्फ 17वें साल में, 19.7% का CAGR से रिटर्न दिया उसने। आपके 10 लाख 2.5 करोड़ हुए। चलिए, आपके पास 10 लाख नहीं थे, अगर आपने 10,000 रुपये महीने का इसमें मंथली SIP भी किया होता तो 10,000 रुपये महीने का 17 साल में आपका 21.6 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, इसकी वैल्यू 1.2 करोड़ रुपए बनी। टुकड़ों टुकड़ों में 10,000 रुपये आपने डाला और वन टाइम 1.2 करोड़ रुपए आपके बन गए सिर्फ 17 साल में, 17.3% का CAGR। UTI का फ्लेक्सी कैप 2005 में लॉन्च हुआ था, किसी ने 10 लाख रुपए 2005 में इन्वेस्ट किए तो 2021 दिसंबर तक इसका जो वैल्यू था 10 लाख का वैल्यू 16 साल में 1.83 अराउंड। ये सारा डेटा आपको सारे के सारा इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप वैल्यू रिसर्च पर जाइए, मनी कंट्रोल पर जाइए, आप बहुत सारी MFI की वेबसाइट पर सारी चीजें अवेलेबल है। कहने का मतलब 10 लाख रुपए 16 साल में 8.6 करोड़ रुपए बने, 10 लाख 17 साल में 2.5 करोड़ रुपए बने। अब मुझे आप बता सकते हैं कि कोई दुनिया की प्रॉपर्टी इतना छोटा इन्वेस्टमेंट करके इतना बड़ा रिटर्न दे सकती है?
इतना पैसा आप बना सकते हैं सिर्फ छोटी छोटी एसआईपी के जरिए, 5,000, 10,000, 1,000 रुपए महीने की एसआईपी के जरिए आप बड़ा फंड बना सकते हैं। लेकिन मजेदार बात आपको बताना चाहता हूं कि ये 2.5 करोड़, 1 करोड़ 86 लाख तक सिर्फ 3% लोग पहुंच पाते हैं, 3%। मतलब अगर 100 लोगों ने 10 लाख रुपए डाले या इन्वेस्टमेंट किया तो सिर्फ 3 लोग ही उस गोल तक पहुंच पाते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वहां तक लोग क्यों नहीं पहुंच पाते उसका। अब मैं आपको रीजन, अगर ये चीज आप लोग समझ गए तो म्यूचुअल फंड से आप करोड़ों रुपए बना सकते हैं दोस्तों। ये चीज को समझ लीजिएगा मैं जो बताने जा रहा हूं। आप मेरे पास आए, आपने बोला साहब मुझे 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 15 साल के, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी आपने गोल सेट किया। अब होता क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि ये यूटीआई का एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर किसी बंदे ने 10 लाख रुपए डाले, बोला मुझे 20 साल तक निकालना नहीं है, 20 साल तक इसमें एक म्यूचुअल फंड्स में जो एक बहुत बड़ी ताकत है ना दोस्तों, वह लिक्विडिटी। आपको जब पैसा चाहिए आप पार्शियल और फुल विड्रॉ कर सकते हैं, जब भी चाहिए, जो आप कहीं प्रॉपर्टी में नहीं कर सकते। लिक्विड बहुत फास्ट है और ये इसका ड्रॉबैक भी है कि जब भी जरूरत पड़ती है इंसान को वो इमीडिएट म्यूचुअल फंड निकाल लेता है। ये इसका प्लस पॉइंट और यही ड्रॉबैक है। तो किसी ने 10 लाख रुपए डाले, उसने प्लान किया मुझे 15 साल बाद निकालना, 20 साल बाद निकालना है। लेकिन आपको याद होगा 2008 में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था, मार्केट क्रैश हुआ था, तो उस 10 लाख की वैल्यू करीब 7.5 लाख रुपए हो गई जब मार्केट डाउन हुआ था। अब 7.5 लाख रुपए में न्यूज चैनलों में आने लगा, मार्केट तबाह हुआ, हाहाकार मच गया, यूट्यूब पर दुनिया भर के एक्सपर्ट दुनिया भर की सलाह देने लगे, न्यूज पेपरों में हाहाकार। आपको पता है न्यूज चैनलों में क्या होता है, वो देखकर 50-60% लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया। अरे बाप रे, 10 लाख का 7.5 लाख हो गया, जबकि उसने डाला था 15-20 लाख 20 साल के लिए। फिर चलिए एक साल रुका, 2009 में आपको याद होगा जब मनमोहन सरकार आई थी तो सेंसेक्स 21,000 के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा था, तो उस 10 लाख की वैल्यू सीधे 14 लाख के आसपास हो गई। तो लोगों ने सोचा 10 लाख का 14 लाख हो गया, इमीडिएट निकाल लो कहीं ये कम ना हो जाए। तो वहां से 70-80% लोग बाहर हो गए और फिर बीच में कुछ टाइम बाद थोड़े थोड़े विड्रॉ करते गए। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 16 साल में वो 10 लाख का 1,86,00,000 जो हुआ वो सिर्फ 3% लोग जो टिके रहे वो वहां तक पहुंच गए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हम आधे अधूरे नॉलेज की वजह से, गलत सलाह की वजह से, पड़ोसी ने कभी कभी कलीग सलाह दे देता है, कभी पड़ोसी सलाह दे देता है, कभी कभी आधे अधूरे नॉलेज वाले यूट्यूबर सलाह दे देते हैं, कभी कभी होता क्या है कि हम अपना आधा अधूरा नॉलेज, हमको ऐसा लगता है हम दुनिया भर के एक्सपर्ट हो गए हैं, रेटिंग्स देखकर हम फंड खरीद लेते हैं, रेटिंग्स देखकर हम अपनी तैयारी कर लेते हैं। ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से अभी कई सारे लोगों का जिन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लिया था मेरे पास में उनका पोर्टफोलियो वापस वो आए सर हमको सही सलाह दीजिए। तो कहने का मतलब अगर आपको बस नॉलेज नहीं है तो ऐसी गलती ना करें, एक्सपर्ट का साथ रखें पहली बात। और दूसरी चीज याद रखें कि आप डिसिप्लिन रहें, आप अपने गोल को लेकर, मतलब आपने जो डिसाइड किया कि मुझे 15 साल 10 साल जो भी आपने गोल दिया उसको लेकर स्टक रहे, फिर वहां पर टिके रहे। और कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी चैलेंज आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता तो अपने एडवाइजर से बात करें, इधर उधर की सलाह ना लें। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं दोस्तों, यकीन जानिए आप सोच भी नहीं सकते, जब भी आपकी अर्निंग एज है, जब आप अर्न कर रहे हैं पैसा कहीं से भी, तो आप उस टाइम सेव कीजिए। चाहे आप लमसम कर सकते हो, छोटा छोटा 1,000 रुपए आप कर सकते हैं, 2,000 कर सकते हैं, 5,000 रुपए कर सकते हैं, कुछ भी आपकी कैपेसिटी, आप SIPs में स्टार्ट करिए। मैं आपको कुछ फंड सजेस्ट करूंगा आपको, मैं आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो हम यहाँ बैठे बैठे आपका फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। आप स्टार्ट करके देखिए, आप यकीन जानिए 5-7 साल गुजर जाने दीजिए, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि यार ये ऐसा भी हो सकता है क्या। तो थोड़ा सा स्टे करिए, अपने आप को टिकाए रखिए और अपने एडवाइजर पर भरोसा रखिए। ये बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, जो हम जब पैसा कमा रहे होते हैं तो पैसे को बर्बाद कर रहे होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, वॉरेन बफे हमेशा कहते हैं कि अगर आपको बिना ज़रूरत की चीज़ें खरीदने में अपना पैसा खर्च करोगे तो एक दिन आप अपने पैसे को, आप वॉरेन बफे को फॉलो करके देखिए दोस्तों, उनको जब लगातार आप फॉलो करेंगे आपको समझ में आएगा दोस्तों कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। वो हमेशा एक चीज कहते हैं कि आपने जब आप पैसा कमा रहे हो तो आप कभी कोशिश करिए, हम लोग जब किसी के पास बोलते हैं सेविंग करो तो बोले पैसे ही नहीं बचता, वॉरेन बफे हमेशा कहते हैं कि पहले सेविंग करो, उसके बाद जो पैसा बचे उससे खर्चा करो। हम क्या करते हैं, पहले खर्चा करते हैं, उससे कुछ पैसा बचता है तो हम सेविंग करने की सोचते हैं, ऐसा कभी हो नहीं पाता।
तो पहले गोल बना लीजिए, मुझे 5,000 रुपए अपनी इनकम से हटाना है, भूलना है, 2,000 रुपए या 1,000 या 10,000 व्हाटएवर। तो आप देखते जाइएगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि आप इतनी बड़ी वर्थ क्रिएट करते हैं कि जब भी आपके बिजनेस में अप एंड डाउन आता है तो यही पैसा आपको अपनी जिंदगी में काम आता है। तो आप अपना रिटायरमेंट खूबसूरत कर सकते हैं। आप एक ऐसा रिटायरमेंट चाहते हैं कि जहां पर हम बच्चों पर डिपेंड हो जाएं, या आप एक ऐसा रिटायरमेंट चाहते हैं कि जहां हम रिटायरमेंट के बाद भी बच्चों को गिफ्ट कर सके, ये आपके ऊपर है। तो आप किस तरह का रिटायरमेंट, एक टाइम जब आप काम करने की पोजिशन में है तो अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, जब आप काम करने की पोजिशन में नहीं रहेंगे तो वही पैसा आपके लिए काम करेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बार बार सलाह देता हूं, अपना समझकर सलाह देता हूं कि आप बुरे वक्त में कैसी भी सिचुएशन हो, अपने इन्वेस्टमेंट से बाहर ना निकलें। कोशिश करें कि अपने इन्वेस्टमेंट को तोड़े नहीं बीच बीच में, उसको कंटिन्यू करें, तो उससे कंपाउंडिंग के जो फायदे हैं उसको आपको मिलना बंद हो जाते हैं, और वो जो आप बहुत बड़ा फायदा रहता है उससे आप चूक जाते हैं। तो कोई भी आपको ज़रूरत हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मेरा नंबर को सेव करिए अपने व्हाट्सअप पर, और अगर आप चाहते हैं आपके व्हाट्सअप पर लगातार मेरे अलर्ट्स आते रहें तो आप मेरा नंबर सेव करके मुझे हाई लिख के अपना नाम सेंड कर दीजिए, मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड करके लगातार फाइनेंशियल अलर्ट्स आपको पहुँचाता रहूँगा। ऐसे ही लगातार कुछ अपडेट्स के लिए मेरे साथ आप कनेक्ट रहिएगा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।